वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। बेटा, हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर 3 रीड कर रहे किया था हमने। क्या चैप्टर था हमारा? ये राज्य सरकार कैसे काम करती है। ठीक है, हमने इसके कुछ क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। हमने इस चैप्टर में विधायक के बारे में, विधायक कैसे बनते हैं, मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, एक मुख्यमंत्री का चुनाव किस तरीके से होता है और किस तरीके से जो विधायक है वो मंत्री पद पर नियुक्त होते हैं, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। प्रश्न नंबर 4, विधानसभा से आप क्या समझते हैं? विधानसभा क्या होती है वो बताना है हमने। विधानसभा एक ऐसा स्थान है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्तारूढ़ दल के हों या फिर विरोधी पक्ष के, किसी मुद्दे पर बहस करते हैं या फिर वो अपने विचार रखते हैं। ठीक है बेटा, तो विधानसभा एक ऐसा स्थान है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्तारूढ़ दल के हों, मतलब चाहे वो रूलिंग पार्टी के हैं, मीन्स जो पार्टी इस वक्त शासन कर रही है, चाहे वो उस पक्ष के हैं या फिर विरोधी पक्ष के हैं। विरोधी पक्ष के कौन होते हैं? विरोधी पक्ष के वो जो इस वक्त सरकार नहीं चला रहे हैं, मीन्स जैसे अभी बीजेपी की सरकार है तो वो तो सत्तारूढ़ दल के हो गए, और जो बाकी दूसरी पार्टियों के वो विरोधी पक्ष के हो गए। वो सब मिलते हैं ऐसी जगह पर, एक जगह पर, और किसी मुद्दे पर या किसी मुद्दे पर बहस करते हैं या फिर अपने विचार प्रकट करते हैं, ऐसी जगह को हम विधानसभा कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, किसी राज्य का राज्यपाल कैसे नियुक्त होता है? बेटा, राज्यपाल कहते हैं हम गवर्नर को। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों, अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बेटा, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, और वह राज्यपाल की नियुक्ति इसलिए करती है ताकि राज्यपाल ये देखे कि जो भी इस वक्त रूलिंग पार्टी है, मीन जो सत्तारूढ़ दल है, वो जो भी काम कर रहा है वो संविधान के नियमों और अधिनियमों के अनुसार ही करे। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न नंबर 6, राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो बेटा, राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। बेटा, वही जो हमारे देश का प्रमुख जो है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 7, MLA से आप क्या समझते हैं? MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन होता है ये? MLA यानी कि विधायक। MLA को हिंदी में क्या कहा जाता है? विधायक। विधायक जो है वो विधानसभा का सदस्य होता है, मतलब ये अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुने हुए सदस्य हैं, अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से जीते हुए प्रतिनिधि हैं जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रश्न नंबर 8, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कौन जिम्मेदार होता है? स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंच रही हैं या स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि पातालपुरम में बिगड़ रही थी, तो उन सबका जिम्मेदार कौन होगा? स्वास्थ्य मंत्री। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री का काम है वो अपने राज्य में सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों को उपलब्ध कराए, ठीक है, और गंदगी ना हो, जिससे कोई बीमारी ना फैले, ये सब कामों का जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री होता है। प्रश्न नंबर 9, मुख्यमंत्री कौन बनता है? मुख्यमंत्री कौन बनता है बेटे? मुख्यमंत्री जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, मतलब ऐसा दल जिसने बहुमत प्राप्त किया हो, मतलब जिसके पास आधे से ज्यादा, जिस पार्टी के, जिस राजनीतिक दल के आधे से ज्यादा मेंबर जीत कर आए हो, वो पार्टी को बहुमत मिल जाता है और वही पार्टी सरकार बनाती है, तो उसका जो नेता होता है वो कौन कहलाता है? मुख्यमंत्री। प्रश्न नंबर 10, हैजे को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए 2 उपाय लिखिए। मतलब हैजे को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने कौन कौन से 2 उपाय किए? पहला उपाय क्या किया सरकार ने? कूड़े कचरे का निपटारा, मतलब कूड़ा कचरा जो चारों ओर फैला हुआ था उसको निपटारा किया गया, मतलब कैसे कूड़े कचरे की को वहां से हटाया जाएगा, शहर में गंदगी को हटाकर वहां पर साफ सफाई का ध्यान दिया जाएगा ताकि वहां पर मतलब मच्छर ना फैले, गंदगी ना हो जिससे लोग बीमार ना हो सकें। नंबर 2, पानी की कमी थी उन इलाकों में, तो पानी के टैंकरों द्वारा पीने का पानी
पीने के पानी का इंतजाम करना, मतलब सरकार ने पानी के टैंकर नियुक्त कर दिए ताकि वो पीने का पानी का इंतजाम कर सके उन इलाकों में जहां पर पीने के पानी की कमी थी। प्रश्न नंबर 11, निर्वाचन क्षेत्र वह प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए ये स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार किया जाता है। तो बेटा निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधियों का इस्तेमाल करते हुए हमने बताना है, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है बच्चों, इसका तात्पर्य एक ऐसे निश्चित क्षेत्र से है जहाँ रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। मतलब कोई एक ऐसा क्षेत्र, कोई एक वार्ड, कोई एक पंचायत जहाँ पे रहने वाले सभी मतदाता वो होते हैं जिनकी एज 18 या 18 ईयर अबव होती है, क्योंकि हमारे देश में सभी एडल्ट ही मतदाता हो सकते हैं, बच्चों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से सभी मतदाता वोट डालकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं वो तो निर्वाचन क्षेत्र होता है। और प्रतिनिधि कौन हो गया, जो चुनकर आया, क्योंकि वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, लोगों ने अपने काम के लिए इस व्यक्ति को चुना है, ठीक है, तो वो लोगों का प्रतिनिधि हो गया। तो इनका इस्तेमाल करते हुए हमने बताना है कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है। तो देखो बेटा विधायक यानी कि विधानसभा का सदस्य यानी कि MLA कौन होता है, ये विधानसभा का सदस्य कौन बनता है, जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो जो व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र से चुनकर आते हैं वो MLA बन जाते हैं, ठीक है। जो विधायक जो है लोगों द्वारा चुना जाता है, इस प्रकार जो विधायक है वो लोगों का प्रतिनिधि होता है। एक व्यक्ति विधायक के रूप में किस प्रकार चुना जाता है, हमने बताना है विधायक का चुनाव कैसे होता है। तो बेटा हर एक राज्य को अलग अलग क्षेत्रों या निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इतना बड़ा राज्य है, एक साथ इलेक्शन नहीं किए जाते, वहां पर अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में को उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। नंबर 2, हर एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोजित किया जाता है। फिर हर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोजित किया जाता है, पूरा प्रबंध किया जाता है, वहां पे वोटर्स को लिस्ट मिल जाती है कि उनकी वोट का संख्या नंबर क्या है और कौन से बूथ पर जाकर उन्होंने वोट देना है, ठीक है। फिर क्या होता है नंबर 3 पॉइंट में देखिए, फिर हर निर्वाचन क्षेत्र से लोग वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लोग जाते हैं, वोट डालते हैं और अपने अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, मतलब वो अपने अपनी पसंद के प्रतिनिधि को वोट डालते हैं और वह व्यक्ति जो सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है, तो जब काउंटिंग होती है तो जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही विधायक के रूप में चुना जाता है, ठीक है बच्चों। मीन्स आपने देखा ही है, इलेक्शन होता है तो काउंटिंग होती है ना, तो जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं जब विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो उसे हम MLA या विधायक के रूप में चुन लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं स्पष्ट कीजिए। कुछ विधायक मंत्री कैसे बन जाते हैं, देखो विधायक का चुनाव तो हमने देख लिया कि लोगों ने चुना अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो विधायक बन गया, लेकिन विधायक मंत्री कैसे बन गया वो अब हमने देखना है। वह राजनीतिक दल जो बहुमत प्राप्त करता है, मतलब वो राजनीतिक पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी जिस पार्टी के सबसे ज्यादा MLAs थे, MLAs बहुमत तब मिलेगा जब उसके आधे से अधिक MLA होंगे तब, ठीक है। मतलब अगर टोटल 60 MLA हैं वहां से तो उसके पास आधे से एक अधिक, मतलब 30 से एक ज्यादा यानी 31 MLA तो उस पार्टी के जीते हुए होने ही चाहिए। उस पार्टी के यदि 31 MLA उसके पास हैं तो वो पार्टी बहुमत में हो जाती है। तो वह पार्टी जो बहुमत प्राप्त करती है वो सरकार बनाती है। अब सरकार बनाना उसका काम है। वे विधायक जो सत्ता पक्ष के होते हैं, अब जितने भी विधायक, जितने भी MLA जो सत्ता पक्ष के हो गए, वो अपना एक नेता, अपना एक लीडर चुन लेते हैं। तो बेटा उस नेता या लीडर को हम मुख्यमंत्री कहते हैं, तो वह मुख्यमंत्री बन जाता है। अब नेता के रूप में चुन तो लिया उन्होंने, लेकिन मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो हमारा राज्यपाल या गवर्नर करता है। राज्यपाल को इंग्लिश में गवर्नर कहा जाता है। फिर मुख्यमंत्री क्या करता है, अपने ही विधायकों में से, अपनी ही पार्टी के जो जीते हुए विधायक हैं उनमें से कुछ विधायकों को सेलेक्ट करता है मंत्री बनाने के लिए, ठीक है। फिर मुख्यमंत्री अपने विधायकों में से ही दूसरे मंत्रियों का चयन करता है, उन्हें चुन लेता है, एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेता है
कि किस मंत्री को कौन कौन सा मंत्रालय सौंपना है। ठीक है, अब वो क्या करता है, अब वो जो लिस्ट है वो राज्यपाल को देता है। ठीक है, फिर राज्यपाल उनकी नियुक्ति कर देते हैं। इस प्रकार कुछ विधायक मंत्री बन जाते हैं। मतलब विधायकों की नियुक्ति तो राज्यपाल ने की, लेकिन राज्यपाल ने विधायकों की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा बनाई गई जो लिस्ट थी ना, मुख्यमंत्री ने जो लिस्ट प्रिपेयर की थी उसको देखकर मुख्यमंत्री से सलाह करने के बाद ही उसने बाकी विधायकों को मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा आप इन क्वेश्चंस को नोटबुक में अच्छे से लिखिए और बेटा एक बार चेक कर लिया करो कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, और साफ हैंडराइटिंग में काम किया करो। ठीक है बेटा, ओके।